नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम आपके साथ में पढ़ रहे हैं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से संबंधित विधियां। इस टॉपिक का हमारा आज ये आखिरी वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे हरमन स्याही धब्बा परीक्षण और TAT परीक्षण, CAT परीक्षण और रोजेन वाइट PF स्टडी परीक्षण। इन परीक्षणों से परीक्षा में अक्सर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और मैं थोड़ा डिटेल इनके बारे में बता दूंगी ताकि आपको आपका परीक्षाओं में इनसे कोई भी प्रश्न आए तो वो गलत ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का। तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया था हरमन रोरसा ने 1921 में। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का उन सैकड़ों परीक्षणों में से एक विशिष्ट स्थान है जो मनोवैज्ञानिक व्यवसाय के उपयोग में लाए जा रहे हैं। ये जो रोरसा स्याही धब्बा के बारे में पंक्तियाँ थीं, ये विचार थे, ये थर्स्टन के थे कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का उन सैकड़ों परीक्षणों में से एक विशिष्ट स्थान है जो मनोवैज्ञानिक व्यवसाय के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं। उसके बाद में रोरसा स्याही धब्बा पर जो परीक्षण होता है उसके लिए हमको 10 मानकीकृत कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत छोटी छोटी डिटेल है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। टेट परीक्षाओं में इस तरह की डिटेल्स ज़्यादा पूछी जाती हैं और CTET परीक्षाओं में जो आपकी समझ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे, लेकिन आपने इस चीज़ को कितना समझा है उस आधार पे प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 मानकीकृत कार्ड होते हैं, इसमें 5 कार्ड में काले और सफ़ेद धब्बे रहते हैं और 5 कार्ड्स में अन्य विभिन्न रंगों के धब्बे रहते हैं। इस तरह से टोटल हरमन स्याही रोरसा धब्बा परीक्षण में 10 मानकीकृत कार्ड्स का उपयोग किया जाता है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण क्यों किया जाता है? ये अचेतन मन की दमित इच्छाओं, प्रेरणाओं और विचारों को इस परीक्षण में शब्दों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसमें हमें जिसके ऊपर परीक्षण करना होता है उसको हम ये 10 कार्ड्स दे देते हैं और 10 कार्ड्स उसको देने के बाद हम उसे कहते हैं कि आपके मन में इन कार्ड्स को देखकर जो भी विचार आ रहा हो वो हमको लिखकर बताइए। तो इंसान ऐसे में जब चित्र देखता है तो हर व्यक्ति की अपने जो विचार होते हैं, कहीं ना कहीं अचेतन मन होता है उसमें जो चल रहा होता है और जो इंसान सबसे कह नहीं पाता है, उन विचारों के अनुसार वो उन धब्बों को अपने शब्दों में वर्णित करता है। उन अचेतन मन की उन इच्छाओं के हिसाब से वो उन धब्बों को हमारे सामने लेकर आता है, उसको शब्दों के रूप में प्रकट करता है। जो कहीं ना कहीं उसकी इच्छाएं होती है दमित रह गई होती हैं, पूरी नहीं हो पाई होती हैं, जो अचेतन मन में चल रही होती हैं, जो वो किसी से नहीं कह पाता है, जब वो इन धब्बों को, इन कार्ड्स को देखता है तो वो उसके सामने आने लगती हैं और कहीं ना कहीं वो शब्दों में बयान उन्हीं दमित इच्छाओं को करता है। तो ये है इस विधि का तरीका, 10 मानकीकृत कार्ड्स का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं TAT परीक्षण की। TAT परीक्षण का निर्माण किया था मार्गन और मरे ने 1935 में। TAT परीक्षण में सामान्य व न्यूरोटिक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। इसमें 31 कार्ड्स को उपयोग में लाया जाता है, 30 पर विभिन्न अर्ध संचारित चित्र होते हैं और एक कार्ड इसमें से खाली रहता है। ये ध्यान रखिएगा, हरमन रोरसा में 10 मानकीकृत कार्ड है, TAT परीक्षण में 31 कार्ड है, 31 में से 30 पे चित्र होते हैं और एक खाली रहता है। और इसमें जब परीक्षण किया जाता है तो सिर्फ 20 कार्ड्स ही दिए जाते हैं। जिसका हम परीक्षण करते हैं उसको 20 कार्ड्स देते हैं। वो किस तरह से देते हैं? इन पर जिसमें F छपा होता है कार्ड्स में, वो मेल को यानी पुरुषों को देते हैं, F मतलब फीमेल्स को यानी महिलाओं को, G मतलब लड़कियों को,
और बी मतलब बॉयज यानी लड़कों को। इस तरह से टोटल 20 कार्ड्स परीक्षण के लिए दिए जाते हैं। विधि वही है, इसमें कुछ चित्र बने रहते हैं और इसमें हम व्यक्ति से कहते हैं कि ये कार्ड्स देखकर आप इसमें एक कहानी का निर्माण करिए। तो जो भी वो कहानी का निर्माण करता है, हर इंसान अपने व्यक्तित्व और अपने विचारों के हिसाब से उन चित्रों को देखकर उनसे कहानी का निर्माण करता है। तो ये है TAT परीक्षण। उमा चौधरी ने 14 तस्वीरों के साथ इस परीक्षण का भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन किया था। मरे और मार्गन भारतीय नहीं थे, उनको भारतीय जो उन्होंने कार्ड्स बनाए थे वो भारतीय परिस्थितियों के उतना अनुकूल नहीं थे। तो जो उमा चौधरी थी उन्होंने 14 तस्वीरों के साथ TAT परीक्षण का भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन किया था। उसके बाद में हमारा आता है CAT परीक्षण। इसका विकास बेलेक ने किया था 1948 में। CAT परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बालकों के अध्ययन हेतु प्रयुक्त होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें विशेष बात है, 3 से 11 वर्ष के बालकों के परीक्षण के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। इसमें हम बच्चे में जो पारिवारिक संबंध प्रशिक्षण व अन्य जो उसके व्यक्तित्व संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उनका परीक्षण करते हैं ये CAT परीक्षण की माध्यम से। इसमें 10 कार्ड्स होते हैं। और इसका भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन उमा चौधरी ने ही किया था। दोस्तों ये मैंने यहाँ पे हर परीक्षण से संबंधित जो मेन टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, आपके दिमाग में रुकने चाहिए, रहने चाहिए, उनको मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। बाकी तो जब आपको इतना याद होगा तो आप खुद ही अंदाज लगा लेंगे कि हाँ इसमें इतने कार्ड्स हैं और इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको एक रजिस्टर पे अलग लिखते ज़रूर चलिएगा, ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। आगे देखते हैं रोजेनवाइग पीएफ स्टडी परीक्षण का निर्माण, जैसे नाम से ही हमको पता चल रहा है, रोजेनवाइग ने किया था 1944 में। रोजेनवाइग पीएफ परीक्षण स्टडी परीक्षण में जो नैराश्य या आक्रमण की स्थितियों का मापन किया जाता है। रोजेनवाइग परीक्षण में ये ध्यान रखिएगा, जो हरमन रोसा है इसमें दमित इच्छाओं और प्रेरणाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। और TAT परीक्षण में सामान्य या न्यूरोटिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। और CAT परीक्षण में बच्चों का 13 से 11 वर्ष के बालकों के लिए अध्ययन किया जाता है। रोजेनवाइग परीक्षण में जो मनुष्य की नैराश और आक्रमण की स्थितियां होती हैं उनका परीक्षण हम इस परीक्षण के माध्यम से करते हैं। इसमें 24 चित्र प्रयुक्त होते हैं या कार्टून्स, बच्चों को कार्टून्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस रोजेनवाइग पीएफ स्टडी परीक्षण में 24 चित्र या कार्टून्स को प्रयुक्त किया जाता है परीक्षण के लिए। और इसका भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन किसने किया था? उदय पारीख और R.S. देव ने। अभी तक ये भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन वाला प्रश्न परीक्षाओं में नहीं उठाया गया है, लेकिन जिस तरह से अब दिन पे दिन परीक्षाओं का जो प्रकृति है वो कठिन होती जा रही है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है कि आगे आने वाली परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएं। इसलिए इन सभी को आप अपने रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा, इसको 2-4 बार पढ़िएगा ताकि ये मन में आपके अच्छे से बैठ जाएं। तो ये थे हरमन सही रोडसा परीक्षण, TAT परीक्षण और CAT परीक्षण और रोजेनवाइग पीएफ स्टडी परीक्षण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम वो टॉपिक उठाएं जो आने वाली लिखित परीक्षा CTET और TET के लिए कॉमन ढूंढ के हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वाकई में समझ आ रहा हो, हमारे चैनल्स में जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा हो वो अच्छा लग रहा हो,
तो आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें और एक भी चैप्टर आपका मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे हम एक क्रमिक अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन करा रहे हैं, इसलिए अगर इसमें आपका चैप्टर मिस होता है तो इस आपके नोट्स बिगड़ जाएंगे, पूरे तैयार नहीं हो पाएंगे। तो कोशिश करिए कि जितना भी मैं बता रही हूँ कम से कम एक टॉपिक को लेकर उसके सारे वीडियो ज़रूर देखिए और लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और हमारे चैनल को और हमें देखने के लिए धन्यवाद।